हे एवरीवन, वेलकम टू वैली जीएटीज। सीयूटी 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हो गए हैं बच्चों। कल 9 फरवरी को ये फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं और 12 मार्च 2023 तक आप लोग इन एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। आप में से काफी बच्चों को सीयूटी के बारे में नहीं पता होगा। बच्चों, सीयूटी स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इंडिया की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU, JNU, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम परस्यू करना है तो आप लोगों को पहले सीयूटी का एग्जाम देना होगा। मैं जानती हूं मुझसे ज्यादातर क्योंकि नीट एस्पिरेंट्स कनेक्टेड हैं, तो मैं जानती हूं कि आप में से सभी नीट एस्पिरेंट्स का एम यही है कि मुझे नीट क्रैक करना है, या फिर जेई एस्पिरेंट्स का एम यह है कि इसी साल जेई मेंस, जेई एडवांस क्रैक करके बताना है। लेकिन मेरे बच्चे कहीं ना कहीं सेफ साइड लेते हुए सीयूटी का फॉर्म आप लोग जरूर फिल कर ले। बीएससी, बीए, जिस भी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड है उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एज अ सॉलिड बैकअप आप किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को रखना चाहते हैं, तो आपको सीयूटी का फॉर्म फिल करना चाहिए। 12 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी इसके बारे में मैं आप लोगों को दे देती हूँ। बच्चों, 21 मई 2023 से लेकर 31 मई 2023 तक आप लोगों के सीयूटी के पेपर होंगे। ये पेपर तीन स्लॉट्स में होता है बच्चों, तीन सेक्शंस में सीयूटी का पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो लैंग्वेज बेस्ड सेक्शन होता है, जहां पर आप लोगों को एक कोई मेन लैंग्वेज चूज करनी होगी आउट ऑफ इंग्लिश या फिर हिंदी, एक कोई रीजनल लैंग्वेज चूज करनी होगी। दूसरा आता है आपका मेन डोमेन का पेपर, जहां पर आप उस सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे, उस सब्जेक्ट के 12th सिलेबस बेस्ड एग्जाम देंगे जिस सब्जेक्ट में आप लोग बीएससी या बीए करने की सोच रहे हैं। सपोज अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी से सिंपल बीएससी करने की सोच रही हूं, सिंपल बीएससी में क्या आता है, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी आता है, यानी कि मुझे सीयूटी का फॉर्म फिल करते हुए केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी का पेपर देना होगा। क्लास 12th का सिलेबस मुझे इन तीनों सब्जेक्ट से पूछा जाएगा और जो मेरे मार्क्स आएंगे उस बेसिस पर मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलॉट होगी। जो तीसरा सेक्शन होता है वो होता है जनरल टेस्ट का सेक्शन, जहां पर मुझे करंट अफेयर, जीके, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बच्चों, इन सभी इंफॉर्मेशन को डिटेल में जानने के लिए सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट cuet.samarth.ac.in इस वेबसाइट पर आप लोग जाइएगा, आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगी। उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके आप सीयूटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही इस वीडियो के पिन कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों को सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल BioLogyATs पर आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो सीयूटी फॉर्म आप लोग जरूर भरिएगा, भले ही नीट जेई आपकी प्रायोरिटी है, लेकिन बीएससी, बीएससी ऑनर्स, बीए, इसको स्ट्रॉन्ग बैकअप की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। और काफी बच्चे हैं जिनको नीट या फिर जेई नहीं देना, उन लोगों को बीएससी, एमएससी ही करनी है, तो आप लोग तो इस फॉर्म को जरूर फिल करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोग चाहते हैं सीयूटी एग्जाम के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को वीडियो के जरिए प्रोवाइड कराऊं, तो प्लीज मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।